नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जड़ी बूटी ज्ञान आओ देखवाल मिक्स समय। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही कमाल की स्पेशल जानकारी बताने वाला हूं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को आंख के पौधे के दूध के बारे में बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ दूध के औषधीय गुण और उसके अद्भुत चमत्कारी फायदे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, क्योंकि यह बहुत ही अच्छी और अचूक जानकारी है। अगर वीडियो की जानकारी अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो इस चैनल पर रोजाना दमदार औषधि प्रयोग हम लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए, बिना देर किए हुए आप लोग को बताते हैं आंख के पौधे के दूध के बहुत ही अचूक महत्वपूर्ण औषधि प्रयोग। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि यह आंख का पौधा दो प्रकार का होता है, एक सफेद आंख होता है और एक नॉर्मल आंख का पौधा होता है। जिस तरह से अभी आप देख पा रहे हो इमेज में, ये नॉर्मल आंख का पौधा है और अभी ये जो बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये सफ़ेद आँख है। सफ़ेद आँख में फूल भी उसका पूरी तरह से सफ़ेद होता है, इसलिए उसे सफ़ेद आँख बोला जाता है। और इसकी विशेषता यह है सफ़ेद आँख की कि यह नॉर्मल जो आँख होता है हर जगह मिलता है, उस आँख से ज़्यादा असरदार, ज़्यादा इफेक्टिव और अधिक औषधीय गुणों से भरा हुआ होता है। इसलिए अधिकतर औषधि प्रयोग के लिए सफ़ेद आँख का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आपके आसपास में ये दोनों पौधा है तो आप प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद आँख से फ़ायदा लेने की। और नहीं है सफ़ेद आँख का पौधा तो फिर उस कंडीशन में आप नॉर्मल आँख के पौधे से भी फ़ायदे ले सकते हो। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिर्फ आँख के दूध निकलता है पत्ते को और तने को तोड़ने से, उस दूध के औषधि प्रयोग बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही खास है। तो इसका दूध का प्रयोग आप करके भयंकर से भयंकर समस्या से छुटकारा पा सकते हो। और ये भयंकर समस्याएं कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी को कभी हाथ पैर में कील घुस जाता है, या फिर छोटे बड़े कांच के टुकड़े या फिर छोटी नुकीली लोहे की वस्तुएं चुभ जाती है पैर में या फिर हाथ में, तो वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत दर्द भी होता है। तो इस तरह की समस्या में जहाँ कहीं भी कील घुसा हो तो उस जगह में आपको क्या करना है, आँख के दूध को टपकाना है कुछ बूंदें, दो चार बूंदें, और उसके बाद दो तीन मिनट के लिए रख दें, ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद आप देखना कि वह ऑटोमेटिक स्वतः ही अंदर में जो कील घुसा रहता है, छोटी छोटी कांच की जो टुकड़े घुसी हुई रहती है जो दिखाई भी नहीं देती है, वह ऑटोमेटिकली अपने आप ही ऊपर उठने लगता है और स्वतः ही बाहर उठ करके दिखाई देने लगता है। और आप इसे आसानी से चिमटे की मदद से या फिर हाथ से ही उठा करके निकाल के फेंक सकते हो। इस तरह से बिना दर्द के, बिना तकलीफ के, या हर प्रकार के जख्मी इंसान को बचाता है। तो ये रहा आँख के दूध का पहला प्रयोग। अब मैं आप लोग को इसका दूसरा प्रयोग बता रहा हूँ। शरीर के चमड़ी में, यानी शरीर में चर्म रोग कहीं पर भी कैसा भी हो, उस चर्म रोग को हटाने के लिए आप इस आँख के दूध का प्रयोग करके पूरी तरह से जड़ समेत नष्ट कर सकते हो। तो इस तरह से चमड़ी रोग में, यानी चर्म रोग में किस तरह से इसका औषधि तैयार करना है उसको भी जान लीजिए। आँख के दूध को एक कटोरी में इकट्ठा करना है 5-10 ml की मात्रा में, और उसमें आपको हल्दी और सरसों का तेल एक एक चम्मच मिला लेना है। अब एक एक चम्मच हल्दी और सरसों का तेल मिलाने के बाद उसे अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेना है, और उस पेस्ट को आप शरीर में जहाँ भी चमड़ी रोग हो, यानी चर्म रोग हो, वहाँ पे लगा सकते हो। दांत खाज, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस, अपरस, फंगल इन्फेक्शन, या फिर वह कुष्ठ रोग ही क्यों ना हो, सफ़ेद दाग जिसे बोला जाता है, उसमें भी अगर आप लगाते हो तो निश्चित रूप से यह सफ़ेद दाग को खत्म करेगा, दांत खाज खुजली को मिटाएगा, फोड़ा फुंसी को नष्ट करेगा, हर प्रकार के चर्म रोग को जड़ से खत्म कर देता है, और ऐसा खत्म करता है कि निशान भी नहीं पड़ता। तो इस तरह से यह चर्म रोगों का काल है दोस्तों, आँख का दूध। अब मैं आपको इसका तीसरा प्रयोग बता रहा हूँ, और यह तीसरा प्रयोग बहुत ही ध्यान देने वाली बात है और गौर से सुनने समझने वाली बात है। ध्यान से सुनिए इसको, क्योंकि मैं इस आँख के दूध को खाने वाला प्रयोग बता रहा हूँ। आप चौंक गए होंगे कि यह जहरीला चीज कैसे खाने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं आपको उसे भी बता देता हूँ। यह जहरीला होते हुए भी अगर जहर को मिटाने के लिए खाया जाए तो यह अमृत बन जाता है, अगर सही मात्रा में लिया जाए तो। किस टाइम और कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, जैसे किसी को पागल कुत्ते ने काटा हो और उसका जहर खत्म करने के लिए आप इस आँख के दूध का प्रयोग कर सकते हो। तो कैसे प्रयोग करना है, सुबह खाली पेट जिसको भी पागल कुत्ते ने काटा है उसको 10 ग्राम गुड़ में
एक बूंद आँख का दूध टपका के खाली पेट सुबह सुबह खिलाना है पागल कुत्ते ने जिसको काटा है उस व्यक्ति को, और इसे सिर्फ 2 दिन ही करना है, ज़्यादा दिन नहीं करना है। 2 दिन करने पर पागल कुत्ते का जहर नष्ट हो जाता है और आपको उसका असर नहीं हो पाता है। इसके बाद अगर चाहें तो आप डॉक्टर से चेकअप करवा सकते हैं। तो इस तरह से प्रयोग करने पर पागल कुत्ते का जहर खत्म होता है। और उसके बाद जिसको माइग्रेन हो, सर दर्द की समस्या हमेशा बनी रहती है, सर घूमता रहता है, तो ऐसी माइग्रेन वाली समस्या में भी आप 2 से 3 दिन इस तरह से बतासे में या गुड़ में आँख का दूध एक बूंद टपका करके सुबह खाली पेट खा सकते हो। तो ऐसा 2-3 दिन करने पर माइग्रेन की समस्या भी ठीक हो जाती है। और जिनको बवासीर है तो बवासीर के रोगी भी इसी प्रयोग को सुबह सुबह खाली पेट करेंगे तो उनका बवासीर भी ठीक हो जाएगा। भयंकर से भयंकर खूनी बादी कोई सा भी बवासीर हो जिसमें दर्द होता हो या फिर खून निकलता हो शौच के समय, ऐसी हर तरह की जो बवासीर होता है वह 2-3 दिन में ही ठीक हो जाती है। बस 10 ग्राम गुड़ या एक बतासे के साथ एक बूंद आँख का दूध टपका के खाना है। याद रखना है सिर्फ एक ही बूंद टपकाना है। अगर 2-3 बूंद टपका दोगे तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे, आप स्वयं खुद होंगे। और ऐसी प्रयोग करने से पहले आप अपने आसपास के जो वैद्य डॉक्टर हैं उनसे सलाह भी ज़रूर ले लें और हमेशा सुरक्षित रहें। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, इसकी और दमदार औषधि प्रयोग को बताते हैं इस आँख के दूध का। इस आँख के दूध से आप अपने शरीर को पुनः जवान कर सकते हो। कैसे? उसके लिए आपको आँख का दूध इकट्ठा करना है कटोरी में, 5-10 ml या फिर जितना अधिक चाहें आपकी मर्जी इकट्ठा कर सकते हैं। आँख के दूध को निकाल करके और उस दूध में आपको रुई को डुबो करके भिगोना है। रुई कपास का जो रुई आता है उस रुई को डुबो करके अच्छे से भिगो देना है और भिगोने के बाद उसे छाया में सुखाना है। छाया में जब सूख जाए रुई तो उसका बाती बना करके एक दीपक लेना है और उस दीपक में शुद्ध देसी गाय का घी डाल के उसका दीपक जलाना है और बाती इसी आँख के दूध से भीगे हुए रुई को बनाना है सूखने के बाद। और जब इस तरह से दीपक बना के तैयार करके उसको जला लोगे तो उसका दीपक जब जलेगा तो उसकी लौ ऊपर की तरफ उठेगा, उसका धुआं, तो उसके धुएँ को आपको किसी बर्तन से रोकना है, मतलब उसके ऊपर में रखना है स्टैंड करके, ताकि दीपक का जो धुआं है वह ऊपर में रखे बर्तन में जा कर के चिपकता रहे और वहाँ पे जम करके इकट्ठा होता रहे। इस तरह से जब आप पूरे दीपक को जला लोगे और दीपक जब जलते जलते ख़त्म हो जाएगा तो उसमें उसके ऊपर में रखा हुआ जो बर्तन रहेगा उसमें बहुत सारा काला काला पदार्थ मैल युक्त तो उसमें जम जाता है। तो उस जमे हुए चिकने पदार्थ को आपको रगड़ के निकालना है बर्तन से और उसको किसी डिब्बे में रख लेना है। अब इस पदार्थ को क्या करना है, इसे आप झंडू बाम की तरह समझ सकते हो या फिर कोई और अन्य पेस्ट समझ सकते हो। तो इस आँख के पेस्ट को आपको उस अंग में लगाना है शरीर के जहाँ भी जोड़ में दर्द हो, कमर, कंधा, घुटना, कहीं भी दर्द वाले स्थान है वहाँ पे आपको इस पेस्ट को लगाना है और मसाज करना है हल्के हल्के 5-10 मिनट, तो वहाँ का दर्द खत्म हो जाता है। अगर घुटना में हो रहा है तो घुटना में लगा दीजिए और घुटना में लगाने के बाद वहाँ पे इसी आँख के पत्ते का जो चिकना हिस्सा होता है उसमें सरसों का तेल लगा करके आग में दिखा करके उसे गर्म करके वहाँ पर बांध देना है रात भर, तो वहाँ का दर्द निश्चित रूप से 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको इसे लगातार कंटिन्यू करते रहना है। अगर आप हर एक अंग में पत्ता नहीं बांध सकते तो शरीर के निचले हिस्से जो पैर का नीचा हिस्सा होता है जिसे तलुआ बोलते हैं, उस तलुए में आप इस बाम को अच्छे से लगा लीजिए पेस्ट को और पत्ते में सरसों तेल लगा के उसे गर्म करके दोनों पैर के तलुओं में बांध दीजिए और रात को ऐसे ही बांध करके सो जाइए। इस प्रयोग को लगातार 15-20 दिन करें, निश्चित रूप से आपकी गठिया, साइटिका, कमर का दर्द, हर प्रकार का दर्द खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब इस तरह के पत्ते को, इस तरह के बनाए हुए बाम को लगा के तलुए में लगा के पत्ते बांधते हो तो वह सारे शरीर के सभी अंगों को बल देता है और गर्माहट पहुंचता है। और नीचे हिस्से को, जैसे आप कई बार सुने होंगे कि पैर के निचले हिस्से को दबाने से पूरे शरीर की मालिश हो जाती है, उसी तरह से पैर के निचले हिस्से में पत्ते बांधने से, आँख का पत्ता गर्म करके बांधने से पूरे शरीर की हर एक जोड़ की
अंग अंग की मालिश हो जाती है और वहाँ का दर्द खत्म हो जाता है। यह एक जादुई चमत्कार की तरह है, आप विश्वास नहीं करोगे लेकिन ऐसा जरूर होता है। पैर के नीचे तलुओं में अगर इस तरह से प्रयोग करोगे तो आपके शरीर में हर एक अंग में फायदा पहुंचेगा। तो हर एक अंग में पत्ता ना बांधने से अच्छा है कि पैर के नीचे तलुए में लगाया जाए और रात भर इसी में पत्ते बांध कर रखा जाए। तो ये तो रहा दर्द निवारक अचूक प्रयोग। अब मैं आप लोगों को एक ऐसा गुप्त प्रयोग बता रहा हूँ जो मर्दों के लिए आजकल बहुत आवश्यक हो चुका है। तो वह प्रयोग है अपने लिंग की कमजोरी को मिटाने के लिए और उसकी नामर्दी नपुंसकता को हटाने के लिए। जैसे कई लोग बचपन की गलतियों की वजह से नसें कमज़ोर कर लिए रहते हैं और उनकी नसें जो है ठीक से काम नहीं करती है और ठीक से उठ भी नहीं पाता है और उनका कार्य क्षमता भी बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह की हर समस्या में, गुप्त रोग में, आप अपने लिंग के ऊपर इस पेस्ट को अच्छे से मसाज करें, आगे की सुपारी वाले भाग को छोड़ करके, और कम से कम 15-20 मिनट मसाज करें इस पेस्ट को लगाने के बाद, और ऊपर से इसी आँख के पत्ते को उस लिंग में बांध करके सो जाएं, सरसों के तेल लगा करके पत्ते को गर्म करके, और इस तरह से आप रोज़ाना प्रयोग करते रहें लगभग 20-25 दिन। तो निश्चित रूप से नामर्द व्यक्ति भी मर्द हो जाता है, क्योंकि वहाँ की जितनी भी छोटी बड़े नसें होती है सभी नसें खुल जाती है और हर एक नस में खून तेज़ी से दौड़ने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ की कमजोरी पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाती है। बस ध्यान रखें कि जब तक आपका ये प्रयोग चल रहा है तब तक आप रति क्रिया ना करें, संभोग ना करें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आँख के दूध का अचूक प्रयोग होता है। इससे भी और ज़्यादा अधिक प्रयोग होता है इस आँख के दूध से और पत्ते से। मैं किसी और वीडियो में इसकी जानकारी आप लोग को समय समय पर बताता रहूँगा।